हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक स्वीट की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, खासकर ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो एक पैन में मैंने लिया है आधा कप के करीब देसी घी। देसी घी मेल्ट हो जाए तब उसमें डालेंगे एक कप के करीब मैदा। तो ये मैदा जो है मैंने इसे छान के लिया है। तो अब इसे हमें लगातार चलाना है। गैस को हमें रखना है मीडियम फ्लेम पर और इस मैदे को हमें भूनना है। मैदे को हमें इस तरह से चलाते जाना है और बहुत ही अच्छे से हमें भूनना है। आप देखेंगे कि जो मैदे का टेक्सचर है वो काफ़ी पतला होता जाएगा और साइड से ये जो है घी जो छोड़ता जाएगा मैदा। तो इस तरह से हमें लगातार इसे चलाना है जब तक कि ये भुन नहीं जाता। इस मिठाई को बनाने के लिए इसका मेजरमेंट ये है कि आप आधा कप घी ले रहे हैं तो आपको एक कप के करीब मैदा चाहिए, यानी कि डबल चाहिए। जितना भी घी ले रहे हैं उसे डबल आपको मैदा चाहिए। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैदा हमारा भुन गया है, तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैंने इलायची पाउडर डाला है और गैस को कर दिया है ऑफ, और चीनी मैंने यहाँ पे एक कप के करीब डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब चीनी को हमें अच्छे से इस मैदे के साथ मिक्स करना है। गैस को ऑफ कर दिया है तो इस तरह से चीनी जो है, मैदा काफ़ी गर्म है तो चीनी अपने आप अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो इसे अब इस तरह से हमें हल्का ठंडा भी कर लेंगे। तो यहाँ पर चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसे मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, उस पर मैंने बटर पेपर लगाया है। आप कोई भी कंटेनर या डिब्बा ले सकते हैं। तो इसमें इस मटेरियल को हम डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। ये काफ़ी पतला है तो इस तरह से टैप करने से ये फैल जाएगा। तो अब इस मटेरियल को हमें रखना है ठंडा होने के लिए, फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये आधे घंटे में ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में। तो आधे घंटे के बाद इसे देखिए मैंने निकाला है और ये काफ़ी जम गया है। तो इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पेपर के सहित इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए जो मिठाई है वो हमारी बनकर रेडी हो गई। तो अब इसे अपने मन चाहे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। तो ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और इंस्टेंट बनकर रेडी हो जाती है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी मिठाई की रेसिपीज़ मैंने शेयर की है, प्लीज़ आप वहाँ पर भी विज़िट करें। तो टेस्टी मिठाई की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर, तब तक के लिए बाय।